हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि शायद ही आपने खाई होगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी एंड सिंघाड़े के आटे का पराठा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करें। लौकी सिंघाड़े का पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सिंघाड़े का आटा, 1 लौकी ली है मीडियम साइज की, कुछ हरी धनिया पत्ती ली है, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 हरी मिर्ची ली है जिसको हमने कट कर लिया है, मिर्ची को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लौकी को पील कर लेंगे। पील कर लिया है, अभी हमें इसको कद्दूकस करना है। तो मैं यहाँ पे छोटी वाली किसनी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बड़ी वाली भी किसनी जो आती है वो यूज़ कर सकते हैं। लौकी को कद्दूकस कर लिया है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे हम एक बोल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 कप सिंघाड़े का आटा। अभी डालेंगे लौकी जो हमने कद्दूकस करके रखी है, 1 चॉप कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, चॉप कटी हुई हरी धनिया। सबसे पहले सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि जो लौकी है वो पानी रिलीज करती है, तो हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें एक आटे की तरह इसको लगाना है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा ऐड कर सकते हैं। आटा लग के रेडी है, हम इसको 1 मिनट रेस्ट करने रख देते हैं। 1 मिनट हो गया है आटा को रेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम गैस पे तवा रख देंगे और इसको मैं घी से ग्रीस कर दूंगी। जब तक तवा गरम हो रहा है हम पराठे बना लेते हैं। एक हम डो बॉल लेंगे और इसको हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम गोल करेंगे और इसको हमें हाथ से प्रेस करते हुए इसको बनाना है। हमें मीडियम साइज रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो इसका फट जाएगा पराठा। इसको हम तवे पे डाल देंगे। अगर आपको इसको थोड़ा सा पतला करना है तो आप इसको तवे पे अपने हाथ के हेल्प से कर सकते हैं। मैंने एक और बना लिया है, उसको भी मैं इस पे डाल दूंगी। तवा बड़ा है इसलिए मैं आराम से इसमें 2 सेक सकते हैं हम लोग। इसको हम एक साइड से थोड़ा सिक जाने देंगे, फिर हम इसमें घी लगाएंगे और पलट देंगे। दूसरा पराठा हमने बाद में डाला था इसलिए हम इसको एक साइड से सिक जाने देते हैं पहले। अभी हम इसको भी पलट देंगे। पराठों को हम दोनों साइड से अच्छे से प्रेस करते हुए सेकेंगे। अगर लगता है थोड़ा ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। ये रेसिपी बिल्कुल एकदम नई है यूट्यूब पे। आपने आलू और सिंघाड़े आटे का पराठा खाया होगा लेकिन आलू और लौकी का पराठा नहीं खाया होगा, तो जरूर इसको ट्राई करें। पराठों को हमने अच्छे से सेक लिया है दोनों साइड से अच्छे से प्रेस करते हुए। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के पराठे भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से पराठा नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, बट ये हेल्दी हैं क्योंकि इसमें कम ऑयल लगेगा और हमारी बॉडी में भी कम ऑयल जाएगा। सारे पराठे बनके रेडी हैं, अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सिंघाड़े का पराठा रेडी है और इसको सर्व किया है मैंने दही के साथ और हरी मिर्ची के साथ।
आप चाहें तो इसको व्रत की आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।